हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के जैतारण क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर का 3 दिन में पुलिस ने किया पर्दाफाश। 2 लाख की लूट के लिए की थी भलाराम की हत्या। आरोपी रोशन व लियाकत को किया गिरफ्तार। पाली जिले के आनंदपुर कालू थाना अंतर्गत बलाड़ा गांव के भलाराम गुर्जर की हत्या का मामला जैतारण पुलिस द्वारा त्वरित गति से निपटाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने मीडिया को बताया कि प्रार्थी बादल राम पुत्र भलाराम ने 21 अगस्त को अपने पिता की हत्या बाबत मामला आनंदपुर कालू पुलिस थाने में दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विपिन शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली तथा सुरेश कुमार वृत्त अधिकारी जैतारण के सुपरविजन में टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान करने पर मामला लेन देन का निकला। आरोपी रोशन ने अपने मामा के बेटे भाई लियाकत को ब्याज पर पैसे दिलवाने का बहाना कर बालाराम को 2 लाख रुपए लेकर खेत पर बुलाया तथा पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अनुसार बालाराम के गले में रस्सी डालकर हत्या कर बालाराम की जेब से 2 लाख रुपए और डायरी लेकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच कर रोशन और लियाकत को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य जांच जारी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सुरेश कुमार DYSP जैतारण उन्होंने ये कहा, दिनांक 21 अगस्त 2021 को ग्राम बलाड़ा की सरहद जो जंगलात है वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी। सुबह सुबह उस बॉडी की पहचान श्री भलाराम गुर्जर निवासी बलाड़ा के रूप में हुई। मौके पर गहनता से बॉडी एवं अलामत का अनुसंधान किया और मौके पर FSL की टीम, डॉग स्क्वाड, MOB की टीम बुलाई गई और साक्ष्य वहाँ एकत्रित किए गए एवं तकनीकी रूप से एवं गोपनीय तरीके से अनुसंधान किया गया तो पाया कि जो मृतक भलाराम है उसके पड़ोस में ही रोशन खान का घर है और रोशन खान का और भलाराम के आपसी में पहले भी लेन देन चल रहा था और कुछ से रोशन खान की हमें गतिविधियां संदिग्ध लगी और उसके बाद में उसका पीछा किया तो रोशन खान को हमने अजमेर से राउंड अप किया। एम रोशन खान के जो एक रिश्तेदार था इसमें मर्डर करने में सहायक जो साथी था लियाकत खान उसको भी हमने दोनों को राउंड अप किया है। दोनों से अनुसंधान किया तो दोनों ने इस मृतक भलाराम की हत्या करना स्वीकार किया है। दोनों को हमने अभी गिरफ्तार किया है और इस संबंध में हम आगे अनुसंधान कर रहे हैं। जागरूक टीवी की सोरत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।